देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज है, आपको बताया जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 8, क्लास 10th, एक्सीलेंट बुक से। पहली एक्सरसाइज है, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सबसे पहले आप द वर्क लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, उसके बाद द वर्क, आई के साथ तो शैल लगता है, वर्क साथ बिल लगेगा, इसलिए बिल हैव हो जाएगा। फिर बीन हम अपने तरफ से जोड़ देते हैं, द वर्क बिल हैव बीन। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म अलग से खोजने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट टेंस है। द वर्क बिल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी, उसके बाद बाय टुमारो आपका अदर वर्ड है, लास्ट में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा द वर्क बिल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी बाई टुमारो। अगला है, द सर्वेंट विल हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स बिफोर आई रिमाइंडेड हिम। तो आप इसमें क्या है कि हेड वाला पोर्शन की, हाँ, बिल हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स, इतने की आपको पैसिव वॉइस बनाना, बिफोर अदर वर्ड है जोड़ देना उसे। तो पहले आपको द वेजिटेबल्स लिखना है, उसके बाद बिल हैव बीन लगाना है, ब्रॉट का ब्रॉट ही रहना देना है, फिर बाय द सर्वेंट तब बिफोर आई रिमाइंडेड हिम। फिर से बता दे रहे हैं, द वेजिटेबल्स बिल हैव बीन ब्रॉट बाय द सर्वेंट बिफोर आई रिमाइंडेड हिम। क्लियर हो गया? रिमाइंड हिम, बिफोर आई रिमाइंड हिम, जैसे है वैसे रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला, ही विल हैव इनवाइटेड अस बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। तो इसमें करना कुछ नहीं है, अस को आप सब्जेक्ट बना लीजिए वी, उसके बाद आपको वी के साथ शैल लगता है, इसलिए वी शैल हैव कर दीजिए, वी शैल हैव बीन, उसके बाद इन्वाइटेड कर दीजिए, फिर बाई करके ही का हिम हो जाएगा, फिर उसके बाद बिफोर से जोड़ दीजिए, बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। फिर सुन लीजिए, वी शैल हैव बीन इन्वाइटेड बाई हिम बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। चौथा वाक्य है, सी विल नॉट हैव रिटन द रिपोर्ट बिफोर वी सजेस्ट हर। तो पहले रिपोर्ट लिखिए आप सब्जेक्ट बना के, द रिपोर्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन, फिर रिटन, ठीक है, तो रिटन के बाद बाय हर हो जाएगा, उसके बाद आपको बिफोर वी सजेस्ट हर लिख दीजिए। फिर बता दे रहे हैं, द रिपोर्ट विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर बिफोर वी सजेस्ट हर। पांचवा वाक्य, ही विल हैव रिवाइज द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। तो आप कोर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, द कोर्स, उसके बाद विल हैव बीन कर दीजिए, रिवाइज्ड बाय करके ही का हिम कर दीजिए, फिर बिफोर से जोड़ दीजिए, तो जाएगा द कोर्स विल हैव बीन रिवाइज्ड बाय हिम बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। अगला है, विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर बिफोर वी गेट अप। तो हो जाएगा इसमें, फर्नीचर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, तो पहले आप बिल लगाएंगे, बिल द फर्नीचर, ठीक है, हैव बीन रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर, बिल द फर्नीचर हैव बीन रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर, उसके बाद बिफोर वी गेट अप जोड़ दीजिए। सातवां वाक्य, हु विल हैव बीटन द बॉयज। आप पहले हु का हु ही रहने दीजिए, बिल कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए, बिल के बाद अगर सब्जेक्ट रहता हो तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो हु वाले वाक्य में अलग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें द बॉयज ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हु बिल द बॉयज, हु बिल द बॉयज, तब उसके बाद आपको लगाना हैव बीन, हैव बीन, बीटन लिख देना है, उसके बाद बाई लगा देना है, हु बिल द बॉयज हैव बीन बीटन बाई, ऐसे होगा, या फिर बाई होम बिल द बॉयज हैव बीन बीटन, ऐसे भी कर सकते हो, बाई पहले लगाओगे तो हु का होम हो जाएगा, बाकी सब अपने जगह रहेंगे। यू विल नॉट हैव सोल्ड द हाउस, तो हो जाएगा द हाउस, आठवां, सॉरी, चलिए वेलकम बैक, पीछे आ जाते हैं। सी विल हैव इंसल्टेड द पुअर, द पुअर विल हैव बीन इंसल्टेड बाई हर, द पुअर विल हैव बीन इंसल्टेड बाई हर। नवा, तो नवा का हो जाएगा द हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाई यू, द हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाई यू। द फार्मर्स विल हैव प्लाउड द फील्ड्स, दसवां, तो द फील्ड्स विल हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। क्लियर?
द फील्ड्स विल हैव बीन प्लाउड बाय द फार्मर्स। क्लियर हो गया। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।